Largest and expensive dogs in the world. जब बात वफादारी की आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम कुत्तों का ही आता है जो अपने मालिक के साथ वफादारी निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं लेकिन कुछ लोग कुत्तों की इसी वफादारी का गलत फ़ायदा उठाकर उन्हें दूसरे कुत्तों से लड़ाने के लिए भी तैयार करते हैं जिसके चक्कर में हमें एक से बढ़कर एक खतरनाक और बड़े साइज़ के कुत्ते देखने को मिल जाते हैं जिन्हें देखकर समझ नहीं आता कि ये कुत्ते या फिर शेर और आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े कुत्तों से मिलवाने वाले हैं जिनका साइज़ आपके होश उड़ा कर रख देगा बस हमारे साथ वीडियो में इसी तरह बनी रहिए लियोन बर्गर दोस्तों ये कुत्ते काफ़ी फ्रेंडली और खेलकूद करने वाले होते हैं जिनका साइज काफी बड़ा होता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कुत्ते नहीं बल्कि जंगल के राजा शेर हैं वैसे तो ये घर के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं लेकिन इन्हें पालने के लिए काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह करानी पड़ती है इनको तो अकद कद पैंसठ से 80 सेंटीमीटर और वजन 45 से 77 किलोग्राम के बीच होता है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुत्ते कितने ज़्यादा बड़े साइज के और भारी भर कम होते हैं जिन्हें अगर आपने एक बार खरीद लिया तो आपका पूरा दिन कुत्तों की ट्रेनिंग और इनके खेल कूद में निकल जाएगा ग्रेट डैन जब दुनिया के सबसे बड़े कुत्तों का जिक्र आता है तो उसमें ग्रेट डैन का नाम जरूर आता है इन कुत्तों के साइज़ की वजह से इन्हें जेंटल जाइंट के नाम से भी जाना जाता है शुरुआत में इन कुत्तों की पैदावार इसलिए की गई थी ताकि ये शिकारी जानवरों का शिकार कर सकें और ये अपने काम में सफल भी हुए लेकिन इनके शिकार करने के तरीके से ज़्यादा इनकी हाइट लोगों को हैरान करती है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो थी कि ये जितने भी खतरनाक क्यों ना हो लेकिन जब बात बच्चों परिवार वालों के साथ खेलने की आती है तो ये खुद भी बच्चा बनकर मस्ती से फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं और तब इन्हें देख कोई कह नहीं सकता कि ये शिकारी कुत्ते हैं इन्हें दुनिया के सबसे लंबे कुत्तों में शुमार किया जाता है जहां जा इनकी हाइट एक 110 सेंटीमीटर है तो वहीं इनका वजन पिचत्तर किलोग्राम के आसपास है सेंट बर्नार्ड इन कुत्तों का भारी भरकम साइज़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हें हमारी इस लिस्ट में क्यों शामिल किया गया है दोस्तों ये कुत्ते इंसानों के साथ काफ़ी प्यार मोहब्बत से रहते हैं वैसे तो शुरुआत में इन्हें स्विट्जरलैंड के मुसाफिरों की हिफाजत के लिए पाला जाता था क्योंकि ये बहुत ही नेक दिल वाले और समझदार कुत्तों की प्रजाति है जो किसी को भी बिना मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन जिस किसी को ये प्यार करते हैं उसे अगर हल्की सी भी घरों आ गई तो ये भीगी बिल्ली से डायरेक्ट खूंखार शेर में बदल जाते हैं और फिर इनका जो रूप होता है वो देखने लायक होता है इन कुत्तों की हाइट 50 सेंटीमीटर और वजन 110 किलो के बराबर हो सकता है कशेशियन शेफर्ड जब बात बड़े साइज के कुत्तों की आती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला नाम कोशिशन शेफर्ड का ही आता है जो अपने साइज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है ऊपर से ये ना किसी से डरते हैं और ना ही किसी अजनबी पर यकीन करते हैं इसीलिए अधिकतर लोग इन्हें अपना पालतू जानवर बनाकर रखते हैं इनकी मोटी और घने बालों वाली स्किन की वजह से ये ठंडे से ठंडे इलाके में भी आसानी से रह सकते हैं अस्सी किलो के वज़न वाले ये कुत्ते लगभग पिछहत्तर सेंटीमीटर की हाइट के होते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके सामने हट्टा कट्टा इंसान भी दूध पीते बच्चे की तरह नजर आएगा टेबिटन मास्टर्फ लाल रंग के भालू की तरह दिखने वाले ये कुत्ते शुरू में ज़मीन और जानवरों वगैरह की हिफाजत के लिए पाले जाते थे खूबसूरती शक्ल वाले ये कुत्ते अपना अधिकतर वक्त अपने मालिक और उनके सामान की हिफाजत में गुजार देते हैं हालांकि हर समय चौकन्ना रहने वाले ये डॉग्स बच्चों से थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं क्योंकि कब इन्हें कौन सी चीज़ खतरनाक लगने लग जाए कोई भरोसा नहीं इसीलिए इन्हें पालतू जानवर के तौर पर रखना कोई आसान काम नहीं है जहाँ इनकी हाइट पिचासी सेंटीमीटर और इनका वज़न नब्बे किलोग्राम से भी ज़्यादा हो सकता है आयरिश वोल्फ हाउंड दोस्तों आयरिश हाउंड नाम के इस कुत्ते को दुनिया के सबसे लंबे कुत्ते के तौर पर जाना जाता है इन कुत्तों को खास तौर पर जंग में लड़ाई करने के लिए तैयार किया गया था जहां अब ये कुत्ते कई सारी डॉग फाइट्स में अलग अलग प्रकार के कुत्तों को हरा कर, अपनी काबिलियत का परचम लहराने में कोई कसर नहीं छोड़ते कुत्तों की यह नस्ल बच्चों को बहुत पसंद करती है लेकिन अगर इनके पसंदीदा इंसान के आसपास भी कोई दूसरा जानवर भटकने लग जाए तो ये जंग में खड़े किसी सिपाही की तरह अटैकिंग मोड में आ जाते हैं और फिर ये सामने वाले जानवर का क्या हाल करते होंगे आप अंदाजा लगा लीजिए इन कुत्तों की लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर वजन 55 किलो से भी ज्यादा होता है स्कॉटिश डियर हाउंड दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े कुत्तों में से एक का नाम है स्कॉटिश डियर हाउंड 19वीं सदी के आखिर तक इन कुत्तों को सिर्फ और सिर्फ लाल हिरण के शिकार के लिए पाला जाता था क्योंकि इन्हें बनाया ही हिरण के शिकार के लिए गया है हालांकि अब लोग इन्हें अपने घरों में भी पालना शुरू कर चुके हैं इनकी तेज़ रफ्तार और बिजली की सी तेज़ी इन्हें बाकी कुत्तों से काफ़ी खास बनाती है पर अपने मालिकों की हिफाजत के लिए ये उतने ज़्यादा तैयार नहीं रहते लेकिन हाँ अगर इन्हें सही तरह से ट्रेनिंग दी जाए तो ये एक शिकारी कुत्ते से गार्ड डॉग बनने में ज़्यादा समय नहीं लगाते इन कुत्तों की हाइट अस्सी सेंटीमीटर जबकि वजन पैसठ किलोग्राम के बराबर हो जाता है हंगेरियन अब आप अपनी नज़र इस बेहतरीन कुत्ते पर डालिए जो कि एक गार्ड डॉग के रूप में बिल्कुल परफेक्ट है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जब तक कोई खतरा नहीं होता है, ये बिल्कुल शांति से रहते हैं और कोई भी शैतानी या फिर गुस्सा नहीं दिखाते लेकिन जैसे ही इन्हें खतरे का अंदाजा होता है एक ही झटके में अपने खेलते कूदते रूप से बिल्कुल रौद्र रूप रौद रौद धारण करके अपने मालिक की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं इन कुत्तों के बाल काफ़ी लंबे लंबे और अलग किस्म के होते हैं जिस वजह से ये बाकी डॉग ब्रीड्स के मुकाबले काफ़ी खूबसूरत लगते हैं जहाँ ये कुत्ते हाइट में अस्सी सेंटीमीटर के मिल जाएंगे और इनका वज़न लगभग पचास किलो से भी ज़्यादा होता है बोरजोई दोस्तों शिकारी कुत्तों की नस्ल में ये कुत्ते आपको सबसे ज़्यादा हैरान करेंगे क्योंकि ये कुत्ते सत्रहवीं सदी से इस दुनिया में फैलना शुरू हुए हैं और तब से लेकर अब तक इन्होंने लोगों को हैरान कर रखा है जहाँ ये बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ लंबे कद वाले भी हैं और इनकी फुर्ती के तो क्या ही कहने जो अगर एक बार भागना शुरू कर दें तो रुकने का नाम नहीं लेते जहाँ ये कुत्ते साठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं इनके पास शिकार करने के ऐसे ऐसे तरीके मौजूद हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे क्योंकि इनकी तेज़ नज़र सूंघने की शक्ति छोटी से छोटी चीज पकड़ है। किसी भी खतरनाक जानवर को देखते ही ये प्यारा कुत्ता गुस्से से लाल पीला हो जाता है और फिर जो होता है उसका तो भगवान ही मालिक है इन शानदार कुत्तों का वजन बयालीस से बावन किलोग्राम के बीच होता है और उनकी हाइट 80 सेंटीमीटर करीब होती है बोरबोल दोस्तों ये कुत्ते सोलवी सदी के दौरान साउथ अफ्रीका में मिलते थे जहां इन कुत्तों को गाड के तौर पर रखा जाता था और अंग्रेज़ों की हिफाजत के लिए ये कुत्ते अपनी जान भी देने को तैयार होते थे बस इन कुत्तों के मालिक को रोजाना इनके साथ वक्त गुजारना पड़ता है क्योंकि ये जितने ताकतवर होते हैं उतने नखरीले भी हैं सत्तर सेंटीमीटर की हाइट और नब्बे किलो के वजन वाले इन कुत्तों को पालना कई देशों में बैन कर दिया गया है क्योंकि ये वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म के होते हैं जो अगर सनक जाएँ तो सामने आने वाले किसी भी जानवर या इंसान को मौत की नींद सुला सकते हैं नेपोलियन मास्टिफ इन कुत्तों को देखकर ही आप इनके ख़तरे का अंदाज़ा लगा सकते हैं जहां ये खतरनाक कुत्तों के बीच होने वाले मुकाबलों में हमेशा टॉप लेवल पर अपना नाम दर्ज करवाते हैं असल में इनकी खौफनाक शक्ल देखते ही बड़े बड़े जानवर इनसे दूर भागने लगते हैं इसके अलावा इन्हें अपने पालतू कुत्ते के तौर पर पालना सीधा सीधा अपनी जान का जंजाल पैदा करने के बराबर है क्योंकि इन्हें हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है हालांकि एक बार इन्होंने किसी के साथ अपना दिल लगा लिया ना तो ये उनकी हर एक बात मानते हैं यहाँ तक कि उनके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं इन कुत्तों की हाइट पचहत्तर सेंटीमीटर और उनका वजन अस्सी किलोग्राम तक हो जाता है इंग्लिश मास्टिफ दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता होने का खिताब इंग्लिश मास्टिफ के नाम है इन कुत्तों को पुराने समय के जंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता था कुत्तों की यह नस्ल दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी नस्लों में से एक है इन कुत्तों की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ उसी के साथ टक्कर लेते हैं जिसे सच में इनका मुकाबला करना आता हो क्योंकि इन्हें कमज़ोर जानवरों से लड़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद इसलिए ये अपनी टक्कर के जानवर चुनते हैं और फिर इनके बीच का जो मुकाबला होता है वो कज़म से बहुत ही रोमांचक होता है अगर हम इन कुत्तों की हाइट के बारे में बात करें तो ये लगभग नब्बे सेंटीमीटर उनका वज़न एक सौ किलो के आसपास होता है जो उन्हें सबसे ऊंचा और भारी भरकम डॉग बनाता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद है आपको ये हैरान कर देने वाले कुत्ते काफी पसंद आए होंगे अब आपका इन पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर हमें अभी बताएं इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोज दिखाई दे रही है जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें